जी पुरवैया में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। खबर शिवहर से है, जहां पर शिवहर में दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड के मामले में मुकेश पाठक के गुर्गे अभिषेक झा के घर कुर्की हो गई है। अभिषेक झा भी इंजीनियर हत्याकांड का आरोपी है, तो बड़ी खबर जहां अभिषेक झा के घर पर कुर्की जब्ती इस वक्त चल रही है। खबर शिवहर से है, जहां पर शिवहर में दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड के मामले में मुकेश पाठक के गुर्गे अभिषेक झा के घर पर कुर्की हो रही है। आगे बढ़ते हैं बात पटना की, जहां पटना के जकनपुर में हुई एक लड़की की हत्या के मामले में अब पुलिस ने हत्यारे का सुराग मिलने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की का नाम सृष्टि जैन था और वो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी। घटना के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। लड़की जिस होटल में ठहरी थी उसका सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को दो संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखिए कि सीसीटीवी में किस तरह से युवक लड़की से बात करता दिख रहा है। फिलहाल पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। पटना रेंज के डीआईजी जी शालीन ने दावा किया है कि मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं पुलिस के और जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं पीटीआई के मुताबिक ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आरोपी का नाम रजनीश कुमार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की सृष्टि और रजनीश के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी रजनीश ने सृष्टि की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हत्या से पहले की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस होटल में लड़की रह रही थी उस होटल के सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लड़की से बात करता हुआ एक युवक दिख रहा है। इस वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कह रही है कि दो संदिग्ध युवक हैं जिनकी पुलिस को अब तलाश है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी से थे उनका कहना था कि लड़की ऑटो से सफर कर रही थी, इस दौरान लड़की को दो बाइक सवार पहुंचे, उसे रोका और फिर उसे गोलियों से भून दिया गया। और इस मामले में डीआईजी शालीन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु क्राइम को पूरी तरह से इलिमिनेट कर देना संभव नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं हमेशा। ये दुखद घटना है, परंतु इसमें हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग आ गए हैं और जिसने भी ये घटना की है बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में। और बात अगली खबर की, खबर अब पलामू से है, जहां पर पलामू के चैनपुर थाने में चांदो चैनपुर रोड के पास में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस तफ्तीश समेत दोनों शवों की शनाख्त चंचल पासवान और कमलेश पासवान के रूप में की गई है, जो उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सदस्य थे। पुलिस के मुताबिक चंचल एरिया कमांडर जबकि कमलेश पासवान कमांडर था और दोनों मौसेरे भाई थे। पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश में दोनों की गला दबाकर हत्या की गई है। दोनों के खिलाफ करीब आधा दर्जन केस दर्ज है। इधर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट करने वाले 9 डकैतों को गिरफ्तार किया। इन डकैतों को मोतिहारी जिले के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। रेल एसपी बीएन झा के मुताबिक ये अपराधी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सहित कई जिलों में ट्रेन यात्रियों से लूटपाट करते थे। नक्सलियों के बंदी का खासा असर औरंगाबाद में आज दिखा, जहां बंद की वजह से जिला मुख्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद रही और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। वहीं वाहनों के नहीं चलने से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बताया कि बंद को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बताया कि ऑपरेशन ग्रीन हंट और औरंगाबाद में 8 जनवरी को 4 नक्सलियों के मारे जाने के खिलाफ नक्सलियों ने बिहार झारखंड का बंद बुलाया।
और बात इस वक्त आ रही बड़ी खबर की, खबर लातेहार से है, जहां लातेहार में जेपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार किया गया है। चंदुआ थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। सतेंद्र ओराव उग्रवादी संगठन का बताया जा रहा है, जेपीसी उग्रवादी संगठन से ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कई मामलों में सतेंद्र की तलाश पुलिस कर रही थी। तो बड़ी खबर लातेहार से, जहां पर लातेहार में जेपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार किया गया है। बात अगली खबर की, जहां हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र खुदकुशी मामले पर कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आज कांग्रेस के युवा मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और स्मृति ईरानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग भी की है। इधर पटना यूनिवर्सिटी में छात्र एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने सूबे में शिक्षा की गिरती स्थिति और छात्र संघ चुनाव समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका है। छात्रों ने बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधारने, छात्र संघ चुनाव समेत सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या के विरोध में युवा कांग्रेस ने पटना यूनिवर्सिटी के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मेन गेट पर ताला भी जड़ दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या के विरोध में छात्र संगठन आईसा ने भी आज पटना यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। छात्रों ने पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों को बंद करा दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि रोहित की खुदकुशी से साबित हो गया है कि केंद्र सरकार छात्र विरोधी है। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के विरोध में छात्र समागम ने भी पटना यूनिवर्सिटी में एक दिन का धरना दिया। छात्रों ने केंद्र सरकार से दोषी मंत्रियों के बर्खास्तगी की मांग की है। अगली खबर अब रांची से है, जहां रांची में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। चोर अब भीड़ भाड़ वाली जगहों को अपना निशाना बनाने लगे हैं। जहां पर घर दुकान के बाद चोरों की नजर अब मंदिर पर है। अपर बाजार के कला संगम दुर्गा मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। मंदिर में कीमती आभूषण और 8 से 10 हजार रुपए नगद चोरों ने चुरा लिए है। अनुमान के मुताबिक अगर हम मूर्तियों के दाम की बात करें तो 4 लाख रुपए के करीब का सामान चोर यहां से चोरी कर ले गए। चोरों ने जो सामान ले गए हैं उसमें है आपका एक छत्र जिसका वजन करीब 1 से 1.5 किलो होगा। ये सारे चीज़ हम लोगों को दान स्वरूप मिलते हैं। मांग टीका एक, नथिया एक, गला का लॉकेट एक, हार 2 पीस, कंगन 3 पीस और दान पेटी से करीब 8 से 10 हजार रुपया, करीबन 4,70,000 रुपया अनुमान ये है कि ये चोरी हुई है मंदिर से। और अब बात इस वक्त आ रही बड़ी खबर की, खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर में एक महिला समेत 2 की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना है सुल्तानगंज के महेशी की। तो बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर भागलपुर के महेशी की यह घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जहां पर बताया कि भागलपुर में एक महिला समेत 2 की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है पूरी? जी, मैं आपको बता दूं कि दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसमें एक वृद्ध महिला भी है। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। हालांकि जो ग्रामीण है वो एक अपराधी को पकड़ अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। वही मौके पर अकबर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है। जी, तो बड़ी खबर है भागलपुर से, जहां पर भागलपुर में एक महिला समेत 2 की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। मशहूर एक्टर रजनीकांत, रामोजी राव, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पूर्व सीएजी विनोद राय, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर, गायक उदित नारायण को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। इसके अलावा टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा और बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी साइना नेहवाल को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। वहीं वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम, एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। और बात बिहार की, जहां बिहार सरकार ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिटायर्ड कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 318 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए 5 करोड़ के अनुदान को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही बिहार विकास मिशन के गठन पर भी मुहर लग गई है। इसके अलावा नीतीश सरकार के 7 निश्चय को मिशन मोड में पूरा करने, राज्य में शराब बंदी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कुछ नीतिगत फैसले लिए गए और बिहार में विधायकों के गाड़ी खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सत्रह विषयों पर चर्चा हुई है, 17 विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो न्यायाधीश पारित हुए हैं, उसके अंतर्गत करीब 318 करोड़ ऋण के रूप में बिहार आकस्मिकता निधि से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को स्वीकृत किया गया है। सुशासन के कार्यक्रम 2015-16 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्यक्रमों एवं सरकार के अन्य संकल्पों को मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण करने के लिए एक बिहार विकास मिशन के गठन की स्वीकृति दी गई है।